मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को धार्मिक स्थलों को तोड़ना बंद करो, धार्मिक स्थलों को तोड़ना बंद करो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गैरतमंद होना जरूरी है। आज मुसलमानों की गैरतें ईमान खत्म हो चुकी है। अरे ये गैरत तो थी कि अल्लाह अकबर इमाम हुसैन करबला तक पहुंचते, ये गैरत ही तो थी कि सहाबा बद्र के मैदान तक पहुंचते, ये गैरत ही तो थी कि खालिद इब्ने वलीद जंगे मौता तक पहुंचते हैं। और जंगे मौता की हिस्ट्री कैसी है कि सहाबा इकराम का लश्कर सिर्फ 3,000 है और 1,00,000 से मुकाबला करने की बात की जा रही है। और अल्लाह तबारक व तआला ने खालिद इब्ने वलीद को फतेह भी अता फरमाया। तो आज जरूरत है गैरतमंद बनने की, गैरत ईमानी से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, ऐले ईमान हो तो फिर शैतान से डरते क्यों हो। भाई लोगों के अंदर एक कायद होता है, हमारे अंदर 1,000 कायद है। अबू बकर सिद्दीक हमारे कायद है, उमर फारूक हमारे कायद है, उस्मान गनी हमारे कायद है। ये उलमा का हक नहीं था कि तुम उनको रहनुमा मानते, तुम वक्त के दज्जाल को सिर्फ रहनुमा नहीं कह रहे हो बल्कि रहनुमाओं का सरदार कह रहे हो। सुनो, फकीर कादरी दंते की चोट पर बात करता है, अगर हमारा कोई रहनुमा है तो वो है जो नामों से रिसालत की बात करे, हमारा रहनुमा वो है जो अदल इंसाफ की बात करे। हमारा अगर कोई रहनुमा है तो जदीद दौर में सलमान अजहरी हमारा रहनुमा है। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला जिंदाबाद, मुफ्ती सलमान अजहरी को, मुफ्ती सलमान अजहरी को। जालिमों, मैं कहता हूं अगर तुम इमाम हुसैन के दौर में होते तो तुम ही लोग या यजीद कहलाते या यजीद के टीम कैसे। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला को जो बेजा गिरफ्तार किया गया, हम इस गिरफ्तारी की शुरू से लेकर आज तक और कोई भी अहले आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो हम मजम्मत करते रहे। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला ने इशारतन बात कही थी, किसी धर्म वालों का नाम नहीं लिया, किसी एक शख्स का नाम नहीं लिया। वो किसी ने कहा था कि सच्चा है कौन कौन झूठा समझ लिया, सच्चा है कौन कौन झूठा समझ लिया, दुनिया ने आज माजरा सारा समझ लिया। हमने तो सिर्फ कुत्ता कहा था मिसाल में, हमने तो सिर्फ कुत्ता कहा था मिसाल में, हद है कि उसने खुद को ही कुत्ता समझ लिया, उसने खुद को ही कुत्ता समझ लिया। अब भाई कुत्तों ने अपने आप को कुत्ता समझे तो हमारा क्या लेना देना, हमने तो मिसाल में कहा था। और मुफ्ती साहब सलमान, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी को टारगेट नहीं किया। नरसी गानन ये खबीसुन नफ्स, अब मैं तो इशारे किनारे में बात नहीं करता ना, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, ये नरसिंह आनंद, ये काजल शैतानी, ये टी राजा सिंह, इन कुत्तों को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जाता, इन पर FIR दर्ज क्यों नहीं की जाती। आए दिन ये मुसलमानों को मारने का काम कर रहे हैं, मुसलमानों को मिटाने की बात करते हैं। अबे जालिमों, अपने बदन की खुदरी मिटा नहीं सकते और हमें मिटाने तो कभी अंग्रेजी गोली खा रहे हो, किस लिए खा रहे हो कि खुजली मिट जाए। अबे पहले अपनी खुजली मिटा, बाद में हमसे बात करना, समझ रहे आप। हाँ, ये जज्बा ईमानी जज्बा, जवान बेदार हो जाए और हम बेदार है अल्हम्दुलिल्लाह, हम बेदार है अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को इसी तरीके से हमारे एक और आलिम दीन है कमर उस्मानी साहब को भी रिहा करो, उनकी भी रिहाई की बात करनी चाहिए। हम
यहाँ पर अपना कुछ कानून बताते हैं, हमारा दौर आएगा हम ऐसे करेंगे। तो ये जालिम डायरेक्टली मतलब हम पर FIR दर्ज की जा रही है, हमारे उलमा को हमारे जवानों को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। याद रखे, किसी ने कहा था ये पैगाम पर अमल करने की बारी तुम्हारी भी है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह अमल कर रहे हैं। हम कितना अदल इंसाफ चाहते हैं वो देखें, हम कितना अदल इंसाफ चाहते हैं। तुमने कहा कि भाई 12 रबीउल अव्वल फला दिन आ रही है, तुम एक काम करो, दिन आगे पीछे करो। हमारे कई उलमाए किराम ने, कई जवान ने एक दिन बाद हमने 12 रबीउल अव्वल बनाई, लेकिन हम तो अमन चाहते हैं, लेकिन तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे हैं। तो सुनो, किसी ने कहा था नफरत बुरी है न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न हिंदू न मुस्लिम न सिख ईसाई, न हिंदू न मुस्लिम न सिख ईसाई, ये सबका वतन है बचा लो इसे, ये सबका वतन है बचा लो इसे। और ये वतन बचेगा कैसे, जब तुम अदल इंसाफ की बात करोगे, जब तुम अल्लाह अकबर अहकाम संविधान का जो मामला है उसको सही तरीके से पेश करोगे, तो फिर अदल इंसाफ की बात होगी। और मुसलमानों बेदार हो जाओ, कुफर तो एक हो चुका है, तुम भी अब एक हो जाओ। वरना याद रखना, किसी ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, न संभलोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं होंगी दास्तानों में। और मैं उन लोगों को ये कह रहा हूं जो लोग आए दिन, आजकल मालूम है क्या मामला चला है, किसी को भी कोई भी राह चलते हुए इंसान को मारना तोड़ना JSR के नारे लगाया जा रहे हैं। भाई भीख क्यों मांग रहे हो, क्या तुमने किसी मुसलमान को देखा कि मुसलमान ने किसी को रोक कर अल्लाह अकबर के नारे लगवाया हो? भीख क्यों मांग रहे हो, कोई अपनी मर्जी से लगाता बात अलग है, भिखारी मत बनो। हम भीख नहीं मांगते कि तुम अल्लाह अकबर का नारा लगाओ, हम डंके की चोट पर कहते हैं अल्लाह अकबर, हम डंके की चोट पर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम डंके की चोट पर कहते हैं अल्लाह अकबर। कुफर एक हो चुका है, आप भी एक हो जाए, अहले हक का साथ दे, समझ रहे आप, अहले हक का साथ दे, वरना फिर वही है कि न समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां भी नहीं होगी दास्तानों में। वमाले नहीं गलबला।